छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हो गया, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। डीआरजी के 10 और एक ड्राइवर शहीद हो गए। दरअसल डीआरजी के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आईईडी से हमला हुआ। आईईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया था। वहीं इस घटना पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया और उन्होंने कहा कि नक्सलियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है, और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं, 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। अधिकारियों ने बताया कि आज दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। वापसी के दौरान माओवादियों की ओर से अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट किया गया, जिससे अभियान में शामिल 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबड़ी माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे, उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सके। इस घटना पर गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। घटना के तुरंत बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की और उन्होंने हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य सरकार को चाहिए होगा वो दिया जाएगा। वहीं इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। इस कठिन वक्त में उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। इस हादसे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हो गए। नक्सलियों की ये कायराना हरकत बेहद परेशान करने वाली सूचना है। नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बता दें कि इस घटना में जो डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड शहीद हुए हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस के स्पेशल जवान हैं, जो केवल नक्सलियों से लड़ने के लिए भर्ती किए गए हैं, जिसमें सरेंडर करने वाले नक्सली और बस्तर के ही वातावरण में पले बड़े लोग शामिल होते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता अब तक इन्हीं जवानों को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।